नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सैलरी स्लिप जो है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की जुलाई मंथ की उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मेरे एक जो दोस्त थे उनके एक अजीज दोस्त थे, उन्होंने ये शेयर किए हमारे साथ। उस थैंक्स टू बोथ ऑफ देम कि उन्होंने मेरे साथ ये सैलरी स्लिप शेयर किए। उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको शायद थोड़ा मोटिवेट भी कर पाऊँगा आपको, मतलब आप मोटिवेट होने के बाद आप अच्छी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दोगे। यही मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव है। इसमें दोस्तों हम थ्री पार्ट्स देखेंगे। सैलरी देखेंगे जुलाई मंथ की, सैलरी आफ्टर वेज रिवीजन जो होने जा रहा है अभी नेक्स्ट ईयर में उसकी अकॉर्डिंगली क्या सैलरी बढ़ सकती है, और जो परक्विजिट्स होते हैं सैलरी के अलावा और कुछ भी चीज़ें आपको मिलती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम परक्विजिट्स देखेंगे दोस्तों। परक्विजिट्स में हम विद इन वन मिनट में देख लेंगे क्या क्या मिलता है। यहाँ पर पेट्रोल रिइंबर्समेंट मिलता है आपको। पेट्रोल मतलब रेसिडेंशियल अकोमोडेशन सबसे पहले दिया है, मतलब आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। यदि क्वार्टर्स अवेलेबल है तो आपको बहुत अच्छा क्वार्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। रीइंबर्समेंट फॉर पेट्रोल व्हीकल पर ऑफिशियल पर्पज के लिए। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है। ब्रीफ केस अलाउंस मतलब जो आपका जो बैग्स वगैरह होता है ना उसको ब्रीफ केस, उसका भी अलाउंस होता है। बुक ग्रांट का भी अलाउंस होता है। अलाउंस फॉर द फर्निशिंग रेसिडेंस मतलब आपके घर को फर्निशिंग फर्निश करने के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जाता है ग्रेड के हिसाब से, पोस्ट वाइज वो धीरे धीरे उसकी मतलब जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद आप मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपको मिलते हैं, इंटरेस्ट भी, फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब आप 2 साल में एक बार कहीं भी घूमने जाते हो तो कंपनी उसका रीइंबर्समेंट आपको कराती है मैक्सिमम, मतलब उसके एयर टिकट्स के भी पैसे मिलते हैं आपको। हॉलीडे होम्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप ऊटी में जाओ शिमला में जाओ तो वहाँ पर उनके हॉलीडे होम्स होते, तो वहाँ पर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड हो जाता है बहुत कम पैसों में। मतलब 100, 200, 300, 400 रुपये में आप एक दिन के लिए होटल, जैसे बाहर बहुत महंगा होते हैं होटल्स, तो यहाँ पे हॉलीडे होम्स के ज़रिए आप वहाँ पे अकोमोडेशन आपको मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर। उसके बाद एनपीएस वगैरह तो ये चीज़ें हो गई, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। एजुकेशन लोन, कार लोन सभी जगह पे होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी स्लिप क्या है। पीरियड यहाँ पे आपको झूठा ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे पीरियड का भी स्नैपशॉट ले लिया है। ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये 7-1 मतलब 7 जनवरी नहीं है, 1 जुलाई है, 31 जुलाई तक इसका पेमेंट डेट भी है। अब हम देखेंगे पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिए है, तो धीरे धीरे अब हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। बेसिक कितना है दोस्तों, 14,750 इनका बेसिक है, 14,650। एक्चुअली इसका बेसिक कम है, 13,750 है इसका बेसिक, लेकिन 13,750 में शायद 13,150 का समथिंग कुछ तो भी है। लेकिन पहले ये पोस्ट 12th के बेसिस पे होती थी, 12th एग्जाम के बेसिस पे, तो इसलिए उसका बेसिक था 13,150। लेकिन अब ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे हो रही है इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे देते हैं। मतलब 750 के 2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको पहले से ही मिल जाते हैं जब आप ज्वाइन करते हो, तो आपका बेसिक पे 13,150 के अलावा डायरेक्टली 14,650 हो जाता है। अब इसके ऊपर उन्होंने देखिए अलाउंस बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, मतलब ये अलाउंस आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब एडिशनल स्पेशल पे, अबे 265 रुपये कहाँ से एडिशनल स्पेशल पे हमें भी नहीं पता। डियरनेस अलाउंस 11,323, ये नियर अबाउट 77% आता है दोस्तों। अब क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 7th पे कमीशन लागू हो गया है, तो उनका जो डीए हो जाता है वो 0 हो जाता है और उसके बाद चालू होता है, तो उनका अभी 17% है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60% जब इनका डीए था तब उनका 7th पे लागू हो गया था, लेकिन ये 7th पे के अंडर नहीं आती, रेगुलेटरी बॉडीज़ का पे वेज रिवीजन अलग होता है। तो इनका अभी डीए 77% चल रहा है, मतलब बेसिक का 77%। बेसिक कितना है, 14,650 में 77% यदि कैलकुलेट करोगे तो वो नियर अबाउट 11,323 के अराउंड आता है। उसके बाद सीसीए लोकल अलाउंस मतलब कंपेंसेटरी अलाउंस होता है वो 746। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है जो 1,000 रुपीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आपको ग्रेड अलाउंस, अब ये ग्रेड अलाउंस कौन सा ये भी हमें पता नहीं है, वो 2,200 रुपये मिलता है। स्पेशल अलाउंस 2 है यहाँ पे, 1,601 है और 440 है, ये नाबार्ड वालों को ये पता होगा एग्जैक्टली क्या है। लेकिन ये देखो अलाउंस कितने टाइप के अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं, मतलब इनका बेसिक पे अदर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कम है, लेकिन अलाउंस यदि हम कैलकुलेट करें तो ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा इनका सैलरी जाता है। अब यहीं पे मैं बात करूँगा, एनएससीएल असिस्टेंट का यहाँ पे बेसिक पे है सेम है, लेकिन उनकी ग्रॉस सैलरी 25 जाती है, क्योंकि वहाँ पे अलाउंस ही नहीं है। 25,000 इनकी ग्रॉस सैलरी जाती है, लेकिन यहाँ पे अलाउंस इतने ज़बरदस्त है कि इनकी ग्रॉस सैलरी बहुत है, हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे फैमिली अलाउंस भी 597 है, स्पेशल परक्विजिट अलाउंस 296 है, मिसलेनियस अर्निंग, अब मिसलेनियस अर्निंग 1,700 है। मतलब यदि टोटल बात करेंगे तो इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी जा रही है, 34,829 रुपीज़, जहाँ पे अलाउंस बहुत कम है, बेसिक
पे बेसिक सैलरी सेम है उनका, उससे 10,000 सैलरी उनका ज़्यादा है। किस लिए? क्योंकि इनका डीए भी बहुत है, 77%। पीएसयू में ये डीए एनएसएल में अभी 57% तक आया है और यहाँ पे 77% है। और अलाउंस देखो कितने मिलते हैं, तो बहुत डिफरेंस है। यही तो खासियत है रेगुलेटरी बॉडीज़ की, पीएसयू की। पीएसयू तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसीलिए इनका सैलरी बहुत अच्छा होता है, वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद देखेंगे डिडक्शंस क्या होती है। एनपीएस एक बेसिक डिडक्शन होता है, नॉर्मल कैंटीन फीस, इनकम टैक्स स्लैब, हाउस रेंटल रिकवरी, ऐसे मिला के 3,000 के करीब उनका डिडक्शन है। तो ग्रॉस सैलरी इनको मिलती है, टोटल अर्निंग्स, ये तो ग्रॉस है, ये इसका डिडक्शन है। और नेट पे मतलब होम पे 31,501। दोस्तों ये तो एक्सक्लूडिंग एचआर है। यदि किसी स्टेट में जिस स्टेट में एक क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है 31,501+, तो उनको बेसिक प्लस डीए का 10%, सॉरी बेसिक का 10% मिलता है, मतलब 1,465 एक्स्ट्रा मिलेंगे यदि वो क्वार्टर्स ऑफ नहीं करते। तो आपको यदि क्वार्टर्स भी मिल रहा है ऊपर से और 31,000 आपकी सैलरी भी बन रही है, 31,000 आपकी सैलरी भी बन रही, प्लस आपको क्वार्टर्स भी मिलेंगे, क्वार्टर्स भी आपको मिलेंगे, मतलब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सैलरी है। यदि बम्बई में आप रहना चाहते हो तो क्वार्टर्स प्लस 31,000 इज़ गुड सैलरी फॉर असिस्टेंट लेवल जॉब, असिस्टेंट लेवल जॉब के लिए अच्छी सैलरी है। अब बात आती है दोस्तों वेज रिविजन की। जब वेज रिविजन होता है ना दोस्तों, तो एक फिक्स ये होता है कि जो बेसिक और डीए होता है ये मर्ज हो जाता है। अब यदि हम बेसिक और डीए मर्ज करते हैं तो ये 27,000 के अराउंड आता है बराबर। अब इसके ऊपर बैंकों का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 15% इंक्रीमेंट होने वाला है बेसिक प्लस डीए के अकॉर्डिंग। अब हम इसका 50% इंक्रीमेंट पकड़ के चले, 15 × 2 = 30, 15 × 7 = 500, मतलब नियर अबाउट 4,000 के अराउंड इसका इंक्रीमेंट होगा, मतलब 31,000 इसका बेसिक हो जाएगा। कितना? 31,000 के अराउंड इसका, सॉरी बेसिक नहीं होगा, नॉर्मल सैलरी आएगी, और इसके ऊपर ये अलाउंसेस मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली यदि हम बात करेंगे तो इसका 45,000 के, 44 to 45,000 के अराउंड इसकी ग्रॉस सैलरी जा सकती है आफ्टर वेज रिवीजन, और आपको इन हैंड सैलरी आ सकती है 40,000 के अराउंड। क्योंकि जितना ज़्यादा सैलरी, ग्रॉस सैलरी बढ़ता है उतना डिडक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि एनपीएस ज़्यादा हो जाता है। यदि एनपीएस आपको 34,000 में सिर्फ 2,888 दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी 45 के अराउंड जाएगी तो उसका नियर अबाउट 4,000 के करीब ही आपको एनपीएस देखने को मिलेगा। सो इसकी ग्रॉस सैलरी यदि 44-45 तक जाती है तो आपकी इन एंड सैलरी 39-40 तक जाएगी, ये बहुत अच्छा होगा। प्लस आपको क्वार्टर्स भी मिलेंगे जो अच्छे एरिया में होते हैं, जो अच्छे लोकेलिटी में होते हैं। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आपके लिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा जॉब है जो आरबीआई असिस्टेंट लेवल का पोस्ट यहाँ पे है। इसका वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है और आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो आई होप गाइस कि आप इससे अच्छे मोटिवेट होंगे और आपको इस वीडियो से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।